वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय 34th वीडियो ऑफ साइंस फॉर क्लास 3। बच्चों, आज हम लोग हाउसिंग एंड क्लोथिंग में आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे स्पेशल हाउसेस के बारे में। तो People who roam around from place to place are called nomads. They live in tents made of canvas. बच्चों, जो लोग वन प्लेस से अदर प्लेस तक जो है घूमते रहते हैं, उनको हम लोग जो है नोमैड्स के नाम से जानते हैं। ये आपको टेंट्स में रहते हैं, ठीक है, जो कैनवस से बना होता है। ठीक, पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड प्लेसेज बिल्ड हाउसेज ऑफ स्नो। दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज। द प्लेसेज दैट आर ऑफन फ्लडेड हैव हाउसेज मेड ऑन वुडन पोस्ट्स। दीज हाउसेज आर कॉल्ड स्टील हाउसेज। बच्चों, जो लोग जो हैं काफ़ी कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, उसनों का जो है हाउस बनाते हैं। ऐसे हाउसेज को हम लोग जो है इग्लूज के नाम से जानते हैं। ऐसा जगह जहाँ पर जो है अधिकतर जो है बाढ़ फ्लड जो है आती रहती है, वहाँ का घर जो है वुडन पॉट से जो है बना होता है। इसको हम लोग जो है स्टिल्ट हाउसेस के नाम से जो है जानते हैं। अब जानिए गुड हाउस के बारे में। ए गुड हाउस शुड हैव ऑल द थिंग्स वी नीड टू मेक आवर सेल्व सेफ एंड कम्फर्टेबल। अच्छा घर में जो है वो सब कुछ होना चाहिए जो हम लोगों को सेफ रख सके और हम लोग आराम से उसमें रह सके। ए गुड हाउस शुड हैव द फ्लोइंग फीचर्स। देखिए क्या से इसमें फीचर्स जो है होना चाहिए। इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड विथ विंडोज एंड डोर्स। इट शुड हैव एनफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर। सनलाइट किल्स जर्म्स एंड कीप्स द रूम ड्राई क्लीन एंड फ्रेश एयर कीप्स अस हेल्दी। बच्चों, गुड हाउस में जो है वेल वेंटिलेटेड जो है विंडोज होना चाहिए, डोर्स होना चाहिए। इसमें जो है पर्याप्त सनलाइट फ्रेश एयर जो है आना चाहिए। सनलाइट जो है जर्म्स को मारते हैं और रूम को जो है ड्राई रखते हैं। क्लीन और फ्रेश एयर जो है वो हम लोगों को हेल्दी रखते हैं, ठीक है। द विंडोज एंड डोर्स शुड हैव प्रॉपर वायर नेटिंग। दिस कीप्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे बट अलाउ एयर एंड सनलाइट टू इंटर। बच्चों, विंडोज और डोर्स जो है वो प्रॉपर वायर नेटिंग होना चाहिए जो फ्लाइज को मॉस्किटोज को हमसे दूर रखते हैं लेकिन एयर और सनलाइट को अंदर आने देते हैं। तो आप लोग इतना रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को और भी बताएंगे। थैंक यू।